दोस्तों हालात कुछ इस तरीके से बदल चुके हैं कि अगर शहनाज कुछ अच्छा करना चाहती है या कुछ अच्छा कहना चाहती है तो भी लोगों को बुरा ही लगता है। पहले लोगों की यही डिमांड हुआ करती थी कि सिद्धार्थ शुक्ला के चले जाने के बाद आप बात नहीं करती हो, मीडिया में नहीं आती हो, यहाँ तक कि मूवी की शूटिंग और प्रमोशन करना भी बंद कर दिया था। और वहीं जब काफी समय बाद उनका एक वीडियो आया जो कि एक तरीके सा ट्रिब्यूट वीडियो था सिद्धार्थ शुक्ला के लिए, तब भी लोगों को बुरा ही लग गया। इस वीडियो के लिए खासतौर पर शहनाज गिल ने काफ़ी सारी शूटिंग की थी ताकि इस वीडियो को इस तरीके से बनाया जा सके कि वो सिद्धार्थ के जाने का ट्रिब्यूट वीडियो बन जाए, लेकिन इसके बदले में लोगों ने उसे लालची कहा और कहा कि वो सिद्धार्थ शुक्ला का नाम यूज़ करके पैसे कमा रही है और फेम ले रही है। वहीं शहनाज के सपोर्ट में भी काफ़ी लोग आए थे जिनमें से अभी अभी आरको भी आए हैं और उनका यही कहना है कि अगर सिद्धार्थ का ये आखिरी गाना रिलीज नहीं होता तो उनकी आत्मा को काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचता। तब अगर आपने भी ये वीडियो देख लिया है तो आप भी ये ज़रूर बताएं कि आप शहनाज और सिद्धार्थ के किस तरीके के फ़ैन हैं, यानी कि आप ऐसे वाले फ़ैन हैं जो कि शहनाज की काफ़ी ज़्यादा बुराई कर रहे हैं उसका नया वीडियो देखने के बाद, या फिर आप ऐसे फ़ैन हैं जो कि उसका दर्द समझ सकते हैं और आप अभी भी उसका पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर सही में सपोर्ट कर रहे हैं तो शहनाज गिल के बारे में अच्छी अच्छी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ताकि आपके कमेंट्स पढ़कर शहनाज को ये पता चल जाए कि अभी भी उसके फैंस उसके साथ हैं।